जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, दो साल के बाद इंडिया के अंदर Realme ने लॉन्च कर दिए ब्रांड न्यू GT 65G डिवाइस। GT सीरीज को हम परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं और यहां पर Realme ने इस डिवाइस में फिट कर दिया है इंडिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाला प्रोसेसर। जो आप दोस्तों इसके एमटू बेंचमार्क स्कोर 1.5 मिलियन के आसपास आ जाता है। 6.78 इंचेस का 1.5K 80 LPTO डिस्प्ले मोबाइल में मिलता है जो कि 6000 निट ब्राइटनेस के साथ में आता है। रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 वाला OIS कैमरा प्रोवाइड किया गया और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX355 वाला सेंसर मिलता है जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एंड फ्रंट में सेल्फी के लिए ही 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX615 वाला सेंसर प्रोवाइड किया गया है। IP65 रेटिंग के साथ में मोबाइल आता है और प्रीमियम बैक यहां पे मिल जाता है। 5500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और इसे चार्ज करने के लिए भी तगड़ा 120 वॉट का सुपर बुक चार्जर प्रोवाइड किया गया है। इसका जो बेस वेरियंट है 8GB 128GB इसके स्टार्टिंग प्राइस ऑफर के साथ में 24999 के आसपास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में इस मोबाइल का 0-100% फुल बैटरी चार्जिंग टेस्ट हम करने वाले हैं। देखते हैं 5500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 120 वॉट फास्ट चार्जर कितना टाइम लेता है। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करें। दोस्तों, हमारा Realme GT 65G डिवाइस, बस चार्जिंग से पहले बैटरी सेक्शन में स्मार्ट रैपिड चार्जिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे तगड़ी टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है और 120 वॉट का गैलियम नाइट्राइड चार्जर मिलता है। ये काफ़ी तगड़ा, काफ़ी बड़ा और थोड़ा सा हैवी भी है ये चार्जर। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे 120 वॉट फास्ट चार्जर को ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों रूम का जो टेम्परेचर है 36 डिग्री के आसपास है और मोबाइल का 36 डिग्री है। फटाफट से केबल को हम करते हैं इन और टाइमर को भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। मोबाइल भी यहाँ पे बूट हो चुका है। अलग अलग टाइम स्टैम्प में हम आपको बताएंगे और छोटे छोटे टाइम स्टैम्प लेने वाले क्योंकि चार्जिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आपको 5 मिनट में बताने वाले हैं कि चार्जिंग कितनी होती है। 5500 mAh की बैटरी, 120 वॉट का सुपर बुक चार्जर, 5 मिनट के बाद यानी 5 मिनट के बाद यहाँ पे 23% तक मोबाइल को चार्ज कर देता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 मिनट भी हो चुके हैं और टेम्परेचर देखोगे 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। वैसे यहाँ पे दोस्तों हमने और 5 मिनट इंक्लूड कर दिए। क्विकली यहाँ पे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कट एंड फास्ट फॉरवर्ड किया है। आफ्टर 10 मिनट अगर हम चेक करेंगे तो ये मोबाइल 48% तक चार्ज होता है। काफ़ी सुपर फास्ट चार्जिंग है। Realme ने यहाँ पे 50% क्लेम किया बट यहाँ पे अभी 48% के आसपास हो चुका है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 5 मिनट और इंक्लूड कर देते हैं, आफ्टर 15 मिनट के बाद हम यहाँ पे आपको चेकआउट करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट के बाद अगर हम चेक करें तो ये मोबाइल आप देख सकते हो 69% के आसपास चार्जिंग हो चुकी है इसकी। और टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे देख करें तो यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया है, यानी कि 39 से 41 के आसपास ये चले गया है। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ भी होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन है स्मार्ट रैपिड चार्जिंग इसे ऑन करके रखा है तो थोड़ा सा हीटअप हो सकता है क्योंकि ये फास्ट चार्जर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्जर है। आफ्टर 20 मिनट अगर हम चेक कराते हैं आपको तो आप देख सकते हो ये जो बैटरी है 87% तक चार्ज हो जाती है और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सुपर फास्ट ये मोबाइल चार्ज हो रहा है 87% ओनली 20 मिनट में। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 41 से 40 के आसपास पहुँच गया, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। टेम्परेचर भी यहाँ पे काफ़ी मेंटेन करके चल रहा है ये मोबाइल। रूम का टेम्परेचर भी ज़्यादा है, समर का सीज़न है तो यहाँ पे 40 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, इससे कम भी देखने को मिल सकता है। 25 मिनट के आसपास अगर हम चेक करें तो ये 97% के आसपास चार्ज हो जाता है और टेम्परेचर आपको दिखा दे तो यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो भैया टेम्परेचर को भी काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी सुपर फास्ट चार्जिंग है, मोबाइल को ज़्यादा हीटअप भी नहीं होने दे रहा है और एक्यूरेट लेवल पे यहाँ पे मोबाइल चल रहा है। वैसे 27-28 मिनट और ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 28 मिनट के आसपास अगर हमने चेक किया तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये मोबाइल ऑलमोस्ट 100% फुल्ली चार्ज हो चुका है। ओनली 28 मिनट लगते हैं। यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है, 120 वॉट सुपर बुक चार्जर और टेम्परेचर आप देख सकते हो अंडर कंट्रोल ही है, 40 डिग्री सेल्सियस है। वैसे समर का सीज़न अगर नहीं होता, रूम का टेम्परेचर भी कम होता तो यहाँ पे दोस्तों 35-38 के आसपास टेम्परेचर होता। ऑलमोस्ट यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हुए
काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट चार्जिंग रियलमी जी टी 65 डिवाइस में मिलती है, जो कि हाफ आवर से पहले ही आपके मोबाइल को 100% चार्ज कर देती है। तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग तो काफ़ी सुपर फास्ट है, बैटरी भी काफ़ी बड़ी दी हुई है और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको स्पेक्स भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले भी अच्छा दिया हुआ है, कैमरा भी अच्छा है और मैं इसका डीप रिव्यू भी बनाया हुआ है। इवन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इसका बेस वेरियंट है 8GB 128GB ये ओनली 25K के अराउंड मिल रहा है। वैसे इस मोबाइल के रिगार्डिंग और भी बहुत सारे टेस्ट वीडियोज़ आपको इस चैनल पर अपकमिंग मिलते रहेंगे, चैनल को चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन है सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करेगा। अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब आप करके रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन जरूर से कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बोलते रहिए, वंदे मातरम।